नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण भाई। आप देख रहे हैं हंसवाणी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले पो थ्रेस एंड्रॉइड फ़ोन के थीम स्टोर अपडेट के एक वीडियो अपलोड किया था फ्रेंड्स, जिसमें फ्रेंड्स फ़ॉन्ट्स का अपडेट आया हुआ था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट्स देखने को मिल रहे थे फ्रेंड्स, और बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको परचेज करने पड़ रहे थे फ्रेंड्स, और एक दो फ़ॉन्ट ही आपको फ्री में देखने को मिल रहे थे। आप एक दो फ़ॉन्ट ही आप फ्री में यूज कर पा रहे थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं ओप्पो A3s एंड्रॉइड फ़ोन में फ्री फ़ॉन्ट यूज करने के लिए एक टिप्स लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टिप को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए फ्रेंड्स। तो चले तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ एक घंटी का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि मेरे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, ओप्पो A3s एंड्रॉइड फ़ोन में फ्री फ़ॉन्ट यूज करने के लिए तो पहले आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होता है फ्रेंड्स। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप ऐप का नाम यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। तो मैं सर्च कर रहा फ्रेंड्स, देखिए जेट फ़ॉन्ट सर्च करने के लिए फ्रेंड्स आपको सर्च पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। सर्च पर क्लिक करने के तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जेट फ़ॉन्ट आ गया है। तो मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आया हुआ है। तो मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। ओपन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, तो एला पे आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। एला पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तरह तरह के आपको फ़ॉन्ट देखने को मिल रहे हैं। देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे से फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक फ़ॉन्ट यूज करके बता दे रहा हूँ, देखिए किस तरह से आप इस फ़ॉन्ट को यूज कर सकते हैं ओप्पो A3s एंड्रॉइड फ़ोन में। तो देखिए, तो फ्रेंड्स मैं एक फ़ॉन्ट पे एक क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें ये वाला फ़ॉन्ट को मैं चॉइस कर देता हूँ। देखिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेट का ऑप्शन आ गया है। तो फ्रेंड्स पहले मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे सेट का ऑप्शन आया हुआ है। अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, इसको आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया पहले ही, तो मैं सेट पे क्लिक कर देता हूँ। सेट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका क्या मोबाइल है। तो मेरा ओप्पो एंड रियलमी में क्लिक कर देता हूँ, मेरा ओप्पो मोबाइल है तो ओप्पो में एंड रियलमी में क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, तो ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इंस्टॉल, तो फ़ॉन्ट को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। आप कुछ समय के लिए वेट कीजिए। तो है फ्रेंड्स, इंस्टॉल हो चुका है, तो आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड आया हुआ है, तो ऐड को क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है चेंज रीजन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने का फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेंबर कर देता हूँ। देखिए, इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको बैक करना है, तो बैक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने का फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने का फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स, तो सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स को आपको इनेबल कर देना है। तो इनेबल करने का फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट है, तो फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैं सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, तो फ्रेंड्स मैं सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स को इनेबल कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो चुका है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहले आपको उसी ऐप पे जाना है एक नंबर पे, तभी इस फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं उसी ऐप पे जाता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं उसी ऐप पे आ गया हूँ। तो आप जो फ़ॉन्ट को पसंद करते हैं उसे फ़ॉन्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए अभी। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तरह तरह के आपको फ़ॉन्ट देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप जो फ़ॉन्ट को पसंद करते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं ये वाला फ़ॉन्ट को पसंद कर लेता हूँ, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे ऐड आ रहा फ्रेंड्स, एड्स को क्लोज कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स डाउनलोड का ऑप्शन आया हुआ है, तो डाउनलोड कर लीजिए आप। तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है फ्रेंड्स, देखते रहिए आप। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सेट का ऑप्शन आया है, तो सेट पे आपको क्लिक कर देना है इस फ़ॉन्ट को सेट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ओप्पो एंड रियलमी आपको आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो इंस्टॉल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, देखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है, तो आपको डन पे क्लिक कर देना है।
डन पे क्लिक करके फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ऐड आया हुआ तो ऐड को क्लोज कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बैक करना है, बैक करने का फ्रेंड्स आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने का फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स, इसको अभी ऑफ करना है, इसको तो आपको इनेबल करना है फिर से, तो ऑटोमेटिकली फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो मैं ऑफ कर लेता हूँ एक बार। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से इनेबल करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं फिर से सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स को इनेबल किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट चेंज हो चुका है पहले से, तो बैक कीजिए फ्रेंड्स। उसी तरह से फ्रेंड्स आप ओप्पो A3s एंड्रॉइड फ़ोन में बहुत सारे फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी का बटन है सभी दबाइए ताकि मेरे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।